हेलो 42, अभिवादन आपका। एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में वजन कम होने के कई सारे फायदे होते हैं। आप कई सारी बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पीसीओडी, डायबिटीज और कैंसर आदि से भी बचे रहते हैं और साथ ही स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। पर हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा वजन कम नहीं हो पाता, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का रखना होगा ध्यान, और यही है आज के इस वीडियो का विषय। और आज आप जानेंगे 20 ऐसी आदतें जो आपको रखेंगी स्वस्थ। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और आज का यह वीडियो समर्पित है अंकित सिंह तंवर, धार, मध्य प्रदेश को। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। तो सबसे पहली आदत है, नाश्ते में मीठा ना खाएं। नाश्ते में आपको मीठे से परहेज करना चाहिए। आजकल बहुत से फ्लेक्स के पैकेट आ रहे हैं, उनमें मीठा होता है और आप सोचते हैं कि मीठा कहाँ है। ऐसी मीठी चीजें खाने से भूख बढ़ती है। इसके बजाय आप अंडा, दलिया, अंकुरित अनाज खाएंगे तो भूख देर से लगेगी। और यह हम ही नहीं कह रहे, एक अमेरिकी स्टडी भी ऐसा ही कुछ कहती है। इसके बाद दूसरी आदत है कि बिना दूध की चाय पिए। चाय बिना दूध के लें तो बेहतर है। साइंटिस्टों ने पाया है कि चाय में थियाफ्लेविन्स और थियारुबिगिन्स तत्व होते हैं जो वजन घटाने में सहायक होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, लेकिन दूध चाय के उस गुण को खत्म कर देता है। तीसरी आदत के तौर पर आपको ब्रेकफास्ट में ब्रेड नहीं खाना है। व्हाइट ब्रेड ब्रेकफास्ट में बहुत लोगों को काफी पसंद आता है, और वह भी मस्का लगाकर। बोस्टन की टफर्ट्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों का कहना है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले व्हाइट ब्रेड हो या चावल, दोनों से ही वजन बढ़ता है, खास तौर से कमर पर ज्यादा चर्बी। तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड को अवॉइड करें। इसके बाद चौथी आदत के रूप में आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहिए। आजकल बाजार में खाने पीने के सामान जैसे सास वगैरह को लेकर किस किस चीज की खूबसूरत पैकिंग वाली शीशियां मिल रही हैं, यह तो उनके लेबल को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। उनके लेबल हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं। लेबल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आप जो चीज खरीद रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है। आप व्यायाम भले ही थोड़ा कम कर लें, लेकिन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ें। और प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट पर बेस्ड हमारे वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात करते हैं पांचवी आदत की, कि फ्रूट जूस नहीं, फल खाइए। डॉक्टर और डाइटिशियन कहते हैं कि फल खाइए, आप फ्रूट जूस पी लेते हैं। दरअसल यह वजन बढ़ाने का एक नुस्खा है। अगर बाजार के पैक्ड फ्रूट जूस हैं तो उसमें इतना मीठा मिला होता है जो आपका वजन बढ़ा देता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार आप केवल फ्रूट जूस की जगह अगर फल खाएं तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं। छठवीं आदत के तौर पर आप दही खाइए और अपना वजन घटाइए। दही खाने से भी वजन कम हो सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी के अनुसार ज्यादा दही खाने वालों का वजन तेजी से घटता है या कम बढ़ता है। दही में कैल्शियम और प्रोटीन फैट को कम करने में सहायक होते हैं, लेकिन दही या तो टोंड या स्किम्ड मिल्क की होनी चाहिए या फिर दूध की मलाई उतार कर ही जमाएं। दही रात को नहीं खाना चाहिए। सुबह या लंच में अगर आप दही का सेवन करें तो यह आपके लिए काफी अच्छा होगा। सातवीं आदत के तौर पर आपको भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि चबा चबा कर खाना चाहिए। जब भी आप भोजन करें तो 32 बार चबा कर जरूर खाएं, और यही सही है। जितना चबाकर खाएंगे उतना ही जीभ के जरिए दिमाग को संदेश जाता रहेगा और पाचक रस ज्यादा से ज्यादा खाने में जल्दी मिलेंगे और खाना जल्दी से पचेगा। इसके अलावा आठवीं आदत के तौर पर आप ऑफिस में अकेले खाना खाइए। साथ में आमतौर पर लोग ज्यादा खा लेते हैं। महिलाएं अपने आसपास दूसरों को कुछ खाता देखकर ज्यादा प्रभावित होती हैं और 30% तक ज्यादा खा लेती हैं। इसलिए लोगों के साथ नहीं, ऑफिस में अकेले ही खाइए। नौवीं आदत जो आपको बनानी है कि खूब सोइए। नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। हाल ही में नींद के संबंध में आई एक स्टडी के अनुसार कम सोने से मोटापा बढ़ाने वाले जीन प्रोत्साहित होते हैं। 9 घंटे सोने वालों के मोटापे के जीन सो जाते हैं। दसवीं आदत जो आपको बनानी चाहिए वो है, मिलकर वेट कम कीजिए। 2-3 लोग मिलकर वजन घटाते हैं तो वजन जल्दी घटता है। ओबेसिटी जर्नल की स्टडी के अनुसार जिस तरह ज्यादा खाने वाले दोस्त आपका मोटापा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह वजन कम करने की इच्छा रखने वाले दोस्तों के साथ वजन घटाना आसान रहता है और बोरियत भी नहीं होती। और 11वीं आदत जो आपको बनानी चाहिए वो ये है कि मुझे यह नहीं खाना है। अगर आपके सामने केक या पेस्ट्री जैसी शानदार डिश कोई रखता है तो आप क्या कहेंगे? अगर आप बेचारगी से ये कहते हैं
क्या करें, हम तो यह खा नहीं सकते, तो आप पतले नहीं हो सकते। बफेलो यूनिवर्सिटी की डॉक्टर वेनेसा पैट्रिक के अनुसार आपको कहना चाहिए, मैं यह नहीं खाता या नहीं खाती। आपका पक्का इरादा ही आपका वजन घटाने की आपको ताकत देता है। इसके अलावा बरहमी आदत के तौर पर आप आईना रखिए, आप डाइनिंग टेबल के आसपास शीशा लगा लीजिए। एक अमेरिकी स्टडी का कहना है कि खाते हुए खुद को शीशे में देखते रहने से आप एक तिहाई तक कम खाते हैं। रोहम्पटन यूनिवर्सिटी के अनुसार आईना आपको याद दिलाता रहता है कि आपको वजन कम करना है। इसके अलावा 13वीं आदत जो आपको बनानी है वो है टीबी से बचना है। टीबी के सामने अगर खाना खा रहे हैं तो समझिए कि खुद से दुश्मनी कर रहे हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि टीबी के सामने गोद में थाली रखकर बैठ गए तो न सिर्फ आप ज्यादा खाएंगे बल्कि आपको यह भी होश नहीं रहेगा कि आप क्या कितना खा गए, या आप जरूरत भर का खाना ही अपनी प्लेट में रखकर बैठिए। इसके बाद 14वीं आदत है कि सादा खाइए। खाने में तो हम सबको ज्यादा वैरायटी चाहिए, और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपका वजन कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। सिंपल सा नुस्खा है, सादा खाना है तो आप कम खाएंगे। 15वीं चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है शादी या डिवोर्स में थोड़ा ख्याल रखिए। शादी और डिवोर्स दोनों ही वजन के दुश्मन होते हैं। ओहियो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दिमित्री टूमिन के अनुसार शादी के समय खुशी में और डिवोर्स के समय तनाव में लोग ज्यादा खाना खाते हैं और मोटापे को बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा 16वीं आदत जो आपको बनानी है वो है म्यूजिक से दूरी बनाइए। खाना खाते समय म्यूजिक सुनने का अगर आपको शौक है तो ध्यान रखिए कि पॉप म्यूजिक, जिलेबी बाई या चिकनी चमेली जैसे तेज गाने सुनने से आप खाना जल्दी जल्दी और ज्यादा खाते हैं। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार खाने पर कंट्रोल रखना है तो धीमा म्यूजिक कारगर है। शास्त्रीय संगीत सुनिए तो ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा 17वीं चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है भूखे नहीं रहना है। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो कोई भी खाना ना छोड़ें। आपको जंक फूड छोड़ना है, जैसे पिज्जा, समोसे, कचौरी, गुजिया, पकौड़ी इत्यादि, ये सब चीजें आपको खाने से दूर करनी है। इसके अलावा 18वीं चीज है कि रात को न खाइए। शाम को 7 से 8 बजे तक डिनर खत्म कर लीजिए, इससे पाचन सही रहता है। देर रात खाना खाने से हजम नहीं होता और आपका वजन बढ़ता है। और 19वीं आदत है, डिनर में दाल नहीं खाइए। दाल आप लंच में ले सकते हैं, डिनर में दाल और दही ना खाएं। लंच के बाद भी दाल और दही साथ में ना लें। रात को बीन्स वगैरह लेने से भी परहेज करें। इसके बाद 20वीं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है कि तनाव से दूर रहें, तनाव से मुक्त रहें। अकेलापन भी ठीक नहीं होता, दूसरी कई बीमारियां इससे हो जाती हैं और मोटापा भी इससे बढ़ता है। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप स्वयं को तनाव से मुक्त कीजिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को आसानी से स्वस्थ बनाए रख पाएंगे। आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।